सलमान खान ने किया धाकड़ का प्रमोशन, अमिताभ बच्चन ने पोस्ट करके किया डिलीट, कंगना ने किया रिएक्ट। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने कंगना की अपकमिंग फिल्म धाकड़ का प्रमोशन किया, जिसके बाद कंगना की खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल कंगना सलमान को हमेशा ही अपने निशाने पर रखती हैं। लॉकअप होस्ट करते समय कंगना ने कई बार कंटेस्टेंट से ये कहा कि ये आपके भाईजान का घर नहीं है। कंगना का इशारा सलमान की तरफ रहता था। कंगना बीते दिनों अर्पिता खान के घर हुई ईद पार्टी पर भी गई थी और उसके बाद कंगना ने ये कहा कि बॉलीवुड की पार्टी में उन्हें उनके फिल्म की तारीफ सुनाई दी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग चुप्पी साधे रहते हैं। जिसके बाद सलमान खान ने कंगना की फिल्म धाकड़ का प्रमोशन अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर किया। सलमान खान के कुछ फैंस सलमान द्वारा कंगना की फिल्म के प्रमोशन को अच्छा बता रहे हैं तो कुछ सलमान की ही आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कंगना की खुशी का ठिकाना नहीं है। कंगना ने सलमान के पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया और लिखा, थैंक यू माय दबंग हीरो, हार्ट ऑफ गोल्ड, आई विल नेवर से इट अगेन दैट आई एम अलोन इन दिस इंडस्ट्री, थैंक यू। कंगना ने ये कहा है कि वो इंडस्ट्री में अब खुद को अकेला नहीं समझेंगी क्योंकि सलमान खान उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कंगना ने अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा है क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कंगना की धाकड़ फिल्म के सॉन्ग को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रमोट किया था, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही अमिताभ बच्चन ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। कंगना ने ये सवाल किया है कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत को किस बात का डर है कि उन्हें मेरी पोस्ट कुछ मिनट में ही डिलीट करनी पड़ी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पोस्ट डिलीट करने की वजह से कंगना ने अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा है, जबकि सलमान खान जिन्होंने उनकी फिल्म को प्रमोट किया है वो सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आई हैं। टीवी और इंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।